अब तक मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन ये चार चीजों की कंफ्यूजन के बाद अब मेरा नजरिया बदल गया। मेरी पहली कंफ्यूजन, हम अक्सर शादी ब्याह में तोहफे दिया करते हैं। मैंने भी अपने छोटे भाई के लिए एक ब्रेसलेट खरीदा था, रोज गोल्ड डायमंड स्टडेड, टोटल अमाउंट 4 लाख विद टैक्सेस। और वो भी शादी के एक दिन पहले, तो उसके बिल पे डेट क्या होनी चाहिए? शादी के एक दिन पहले की। लेकिन ये बिल जो मेरे पास है, डायमंड स्टडेड रोज गोल्ड आइटम कोड 5436 अमाउंट 4 लाख विद टैक्सेस, लेकिन उस पर डेट है शादी के एक दिन बाद की। मैं एक कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। मतलब शादी के अगले ही दिन एक और ब्रेसलेट खरीदा गया था, रोज गोल्ड डायमंड स्टडीड एग्जैक्टली सेम अमाउंट का। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अब असली ब्रेसलेट कौन सा है ये रौनक तो बता ही देगा, ऐसे नहीं तो शायद पुलिस के 2-4 डंडे पड़ने के बाद। मिलोट, मेरा दूसरा कंफ्यूजन, ये देखिए, इस पैकेट में एक बालों का गुच्छा है। ये बाल मुझे रौनक के शादी वाले कुर्ते पर मिले। रौनक के बाल तो इतने लंबे नहीं, ना ही मेरे बाल इतने लंबे और ना ही हमारे डैड के। हम सभी उसे गले मिले। अब अत्तू के तो बाल कलर्ड है और ये बाल ब्लैक है। और रोशाली जी मेरी मम्मी, वो तो कई हफ्तों से लंदन में है। बची आहना। आहना और रौनक का ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो एक दूसरे से गले मिले। अब ये बाल किन्नरी के हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन, मुझे डाउट हुआ इसलिए मैंने एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर इन बालों का डीएनए टेस्ट कराया। और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि ये बाल मानसी मात्रे के। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरे कपड़े घर पे ही नहीं थे। मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादी की रात को मेरे कपड़े भीग गए थे और हमने अपने कपड़े लॉन्ड्री में दिए थे धुलवाने के लिए। हाँ, है ना, ये सही कह रहे हैं, इनके कपड़े भीग गए थे। सॉरी रौनक, लेकिन पता नहीं तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हारे पल्ले सिर्फ पागल लोग ही लगते हैं। एक तुम्हारा बड़ा भाई और दूसरा वो पागल मेड। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे किसी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। मेरे ससुर जी, मिस्टर मात्रे, आप प्लीज खड़े होंगे। ये मेरे ससुर जी हैं। ये बहुत बुरे आदमी हैं, पीते हैं, झगड़ा करते हैं, लोगों को मारते हैं और उधार लेते हैं। लोगों से उधार लेके उन्हें पैसे वापस नहीं देते। कई बार तो मुझसे भी उधार लिया और मुझे पैसे वापस नहीं दिए। लेकिन की एक बात बहुत अच्छी है, ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, मुझे कुछ सबूत मिले मानसी के फेवर में। दरअसल मानसी जो कह रही है वो सच है, रौनक नहीं उसके साथ। और अगर ये हुआ है तो मुझे रौनक को सजा दिलानी होगी और मानसी को न्याय, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और लोग कहते हैं ना, जैसे तुम खुद इंसान होते हो वैसे ही तुम्हारे दोस्त भी बनते हैं। मेरे ससुर जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं घनश्याम जी, जो एक बियर बार चलाते हैं होटल रॉयल पैराडाइज के पीछे, वहीं जहाँ किन्नरी और रौनक अपनी स्वागरात के लिए गए थे। और आगे क्या हुआ ये खुद आपको घनश्याम जी बताना चाहेंगे। आप प्लीज खड़े होंगे। अलॉट, क्या ये खुद आके बता सकते हैं कि इन्होंने क्या देखा? आप जो भी बताना चाहते हैं कटघरे में आके बताइए। नमस्ते मैडम जी,
मैं घनश्याम राघव मात्रे का दोस्त। उसरा धोवा यूं था कि अपन हमेशा की तरह अपने धंधे पर था। उसरा देख बेड़ों से अपनी भेड़त हो गई। उधर से अपन ने देखा कि यह आदमी होटल के पाइप से नीचे उतरा और सड़क पर भिखारी को मारकर भाग गया। तुम सच बोल रहे हो? जी मैडम जी, माँ भवानी की सौगंध। अपन शराबी जुआरी गुंडा मवाली है, लेकिन मन का सच्चा है। राघो की बेटी अपुन की बेटी, एकदम दिल से गवाही देने आया है। ठीक है, अब आप जा सकते। ऐसी बातें सुनने के बाद कोई नॉर्मल इंसान भी कंफ्यूज हो सकता है। मैं तो फिर भी पागल हूं। ये सब कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। लेकिन होटल की पाइप से क्यों नीचे उतरा? लिफ्ट या सीढ़ियां भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई पाइप से नहीं उतरा। मैं मानसी के संगीत में नहीं गया था, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। ठीक है, अगर औरा कह रहा है उसने कुछ नहीं किया और मानसी के संगीत में नहीं किया था, तो हम एक पल के लिए मान लेते। लेकिन मेरा चौथा कंफ्यूजन, मिलॉर्ड, हम जब शादियों में जाते हैं तो फोटो जरूर खींचते हैं, एक दूसरे की, अपनी, और मैं हाना और आना के परिवार की बहुत सारी फोटोज खींच रहा अपने मोबाइल से। और जब वो फोटोज मैंने अपने आईपैड और कंप्यूटर में ट्रांसफर की बिग स्क्रीन पर, तब मैंने एक फोटो में एक आदमी को देखा टेंट के पीछे। जब जूम इन करके देखा तो वो मेरा छोटा भाई रौनक। मानसी के संगीत और कोर्ट के लिए मैं वो प्रिंटआउट्स लेकर आया। ब्रेसलेट का बिल, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद मैं ठीक हूं, शायद मैं नहीं, लेकिन जब मैंने किन्नरी को रौनक को धमकाते हुए सुना, मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। उस रात जब तुम मानसी के साथ बात करते ना फोन पे, कॉन्फ्रेंस पे मैं भी, और मेरे पास उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग। सो यू बेटर बी केयरफुल। तब मैं और कंफ्यूज हो गया। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि मैं एक मैड जीनियस हूं। मेरा लॉजिक सेंस भले ही जीरो, लेकिन मेरा टेक्निकल सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 100%। और इसी की वजह से मैंने बहुत सारे मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाए। इधर का डेटा उधर, ईमेल्स, वाईफाई, राउटर, ये सब कनेक्शंस यूं कर लेता हूं। ऐसा ही कनेक्शन मैंने अपनी बहनी किन्नरी के फोन से किया रौनक के बर्थडे पर। और उस फोन की रिकॉर्डिंग से मैंने जो भी सुना, मेरी कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होती गई। अब वही रिकॉर्डिंग मैं कोर्ट में आप सबके सामने सुनाना चाहूंगा। हेलो बेबी, इतना वेट क्यों कर रहा है मुझे? हाँ, मेरी वाइफ बाहर वेट कर रही है, और वैसे तो कहने की वाइफ है, लेकिन मेरा दिल तो केवल तुम्हारे पास है। छी रौनक, कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। वहाँ किन्नरी जैसी डिसेंट लड़की तुम्हारे साथ है। किन्नरी और डिसेंट है? शी इज नॉट माई टाइप्स। अगर मैं 1% सुहागरात मना भी लेता हूँ ना किन्नरी के साथ, मेरे दिल में सिर्फ तुम रहोगे। आप ये रिकॉर्डिंग की जांच भी करवा सकते हैं। अब ये सब देख के आप लोग ही मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि मैं तो पागल हूं। अदालत इन सारे सबूतों को अपनी कस्टडी में लेने का हुक्म देती है। अभी अभी पाए गए सबूत, बाल, रिसिप्ट, फोटोज, कॉल रिकॉर्डिंग, इन सब को तुरंत टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाए। अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। उसकी शादी पोस्टपोन हो गई 2 महीने के लिए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि
अब परी आ सकती है हमारे साथ क्योंकि अब उसका काम भी तब तक हो जाएगा। आपको क्या लगता है ना परी? क्या अब तक शायद 2 महीने पोस्टपोन हो गए हैं, तब तो मैं भी आ सकती हूँ ना, क्योंकि तब तक तो मेरे भी एग्जाम खत्म हो जाएगी, है ना, हम सब जाएंगे, मजा आएगी। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तू तेरी आजी दोनों आई, बाबा सचिन तेजू नीना और परी, हम सब चलेंगे। आजोबा मैं नहीं आऊंगी, शादी चाहे कल हो या 2 महीने बाद, मुझे बहुत काम है, आप लोग जाइए। तू आएगी क्यों नहीं परी? तेरे आई बाबा की शादी इतने सालों बाद वो एक हो रहे हैं, तो तेरा वहाँ होना जरूरी नहीं है, तुझे ऐसा लगता है? लेकिन आजी हम लोग तो जाएंगे ना। हाँ बेटा हम जाएंगे, तो मैं ना अपने दोस्तों को बता कर आती हूँ कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं। हाँ, मैं जाती हूँ। चॉकलेट कम खाना। लेकिन अरे तू इतना उछल क्यों रही है? अरे बेटा इंडिया जा रही है ना हमारे साथ, इसलिए बहुत खुश है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इंडिया के नाम से इतने खुश क्यों हो जाते हैं। गौरव बेटा तुम नहीं जानते इंडिया में। सॉरी आजोबा, नॉट इंटरेस्टेड। एनीवे बाय, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूं। लाज नहीं बचा तुला, एक स्त्री असून तू या घनेड़ या प्रकरण तू रौनक चे बर शर्म नहीं आती? क्या सोच रही थी तुम? सोच ही नहीं रही थी बददिमाग लड़की? अगर इस सब के बारे में तुम हमें पहले बता देती तो शायद हम कुछ कर सकते थे। अगर हम सबको इस सब के बारे में बता देती ना तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, ये दिन नहीं देखना पड़ता, बात तौर तक पहुंचती ही नहीं, तो कड़क कसम आएगा। I'm really sorry अतु, तुम्हें डर गई थी, रौनक ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं उसका साथ नहीं देती ना तो वो मुझे डिवोर्स दे देता। अब आप ही बताइए अतु, शादी की पहली रात किसी लड़की का पति उसे बोले कि वो डिवोर्स दे देगा तो मैं क्या करती? अगर मेरी जगह पे कोई और लड़की भी होती ना वो भी यही करती। फिर मुझे अपनी इज्जत और मॉम डैड की इज्जत के बारे में भी सोचना था, उन्हें मेरा डिवोर्स बर्दाश्त नहीं होता, वो मेरी शादी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अतु आई एम रियली सॉरी अतु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे प्लीज घर से बाहर मत निकालिए प्लीज। सिद्धिविनायका कुठल्या जन्मीची पाप आहे देवास्ठाव, शिरीष मी लंडन हून इथे आलेच नसते ना तर बरं झालं असतं। अतु 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 एक मिनिट, केनरी डोंट वरी, तुम्हें कोई घर से नहीं निकालेगा, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था कि तुम मेरी बहन हो और मेरी बहन को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। वो रौनक तो पागल है, जस्ट इग्नोर हिम। मैं समझ सकता हूँ उसने तुम्हें प्रेशराइज किया होगा ये करने के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज तुम रो मत प्लीज। दादा दादा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दादा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रौनक का साथ मजबूरी में आकर दिया, लेकिन मैं अंकिता भाई नहीं और उसकी बहन के बारे में कभी नहीं बुरा चाहती थी। केनरी रिलैक्स रिलैक्स, मैं समझ सकता हूँ कि ये रौनक का ही काम है, इसका भाई ऐसा है वो किसी और को क्या बोल सकता है। तुम प्लीज रो मत, पानी पानी लेके आना, पानी लाओ प्लीज। पूर्वी की शादी पोस्टपोन हो गई इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। पुष्टि हैव यू लॉस्ट इट? अरे वो शादी होगी भी या नहीं कोई पता नहीं, उसके लिए तो अपने एग्जाम्स मिस करेगी। नहीं मॉम, आदित्य की शादी से पहले मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो वेकेशन है ना। और वेकेशंस में जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उनका क्या? वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे ग्रुप से ना कोई नहीं अटेंड कर रहा है, सच्ची मैं कुछ नहीं जानती, तू वो क्लासेस अटेंड कर रही हो तो कर रही, दैट्स इट। मॉम प्लीज लेट मी गो नाउ, मुझे जाना है। नो ठीक है अब भागो या ना गो, मैं तो जाने वाली हूँ। मैंने तुझे बोला ना तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया इस तरह हाथ मत उठाया करो, अब बच्चे बड़े हो रहे, अगर समझाना ही तो प्यार से समझाओ, इस तरह डांट कर उन्हें नहीं समझ में आएगी। आपने अपने बच्चों को अपने तरीके से बड़ा किया, पुष्टि मेरी बेटी सो लेट मी हैंडल हर इन माई ओन वे, और वैसे भी आपके प्यार की वजह से आज ये आई, आप लोगों की तो रिटायर्ड लाइफ चल रही है, आप कभी भी मुंह उठा के इंडिया जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सचिन का बिजनेस है, मेरी अपनी एक्टिविटीज है, इनकी पढ़ाई है, हम लोग ये सब सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, और आप लोग हमसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। नीना क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? मेरा चिल्लाना सुनाई दे रहा, लेकिन इस घर में हमारी पीठ पीछे क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा।
ये आपकी बेटी इंडिया जा रही है अपनी आजी आजूबा के साथ, और वो भी अपनी क्लासेस सब पढ़ाई मिस कर। परमिशन लेना तो दूर की बात, पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अब बताओ मैं गलत हूं या ये लोग? आई बाबा, दैट्स नॉट फेयर। माना कि पुष्टि बच्ची है, उसे पता नहीं कि स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग किसी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए था। I'm sorry to say, पर आप लोग का जमाना नहीं रहा। This is 21st century. या रिश्ते और फैमिली बाद में आते हैं, करियर और स्टडीज पहले आते हैं। आपको इसे ले जाना ही था तो हम दोनों से पूछ लेते, क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है इसमें? मेरा डिसीजन था इसे ले जाने का, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत है। पुष्टि तेरी बेटी है, लेकिन हमारी पोती भी है, और इसकी पढ़ाई की फिक्र तुझसे कहीं ज्यादा हमें है। इतना ही बोलता है ना तू, तो ये बता क्या तू ये जानता है कि इसके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती है और कितने सब्जेक्ट पढ़ती है? यही कोई पांच या छह। पांच या छह? तू बता सचिन कितने सब्जेक्ट्स हैं, पांच या छह? मैं बताता हूं, पांच सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, कैलकुलस, होम इकोनॉमिक्स, फिजिकल ईडी एंड कंप्यूटर साइंसेस, जिसमें से पांचों के रिटन एग्जाम्स हो चुके हैं। अब बस होम इकोनॉमिक्स, फिजिकल ईडी और कंप्यूटर साइंसेस का प्रैक्टिकल होना बाकी है, और उसी हिसाब से मैंने ये टिकट्स बुक कराई। सर आप यहां साइन कर दीजिए। मैम आपकी बेल हो गई है। बेल किसने करवाई? इन्होंने। हेलो मैम, मैं एडवोकेट राणे, मुझे मिस पिया ने आपके केस के लिए हायर किया है और उन्होंने आपकी बेल कराई है। बट वो कहाँ है? जी नहीं, वो नहीं आ सकी, पर उन्होंने आपके लिए एक लेटर भेजा है। लेटर? आई थिंक आपको इस लेटर में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल आप इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए जिससे हम बाहर जा सकें। मैम आपका ये केस मैं हैंडल कर रहा हूं, ये रहा मेरा नंबर। केस के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे दोबारा आपसे मिलना पड़ेगा, तो जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल कीजिएगा। मैम आपकी बेल तो हो गई है, लेकिन जब तक ये केस चल रहा है आप शहर छोड़कर नहीं जा सकती, और हाँ हमें जब भी आपकी जरूरत होगी इंक्वायरी के लिए आपको बुला लेंगे। थैंक यू। आप यहां पर भी साइन कर दीजिए। ओके। हाय मॉम, हाउ आर यू? डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। और हाँ, तुम्हारा केस लड़ने के लिए मैंने एडवोकेट राणे को हायर किया है। ही इज द बेस्ट लॉयर, ही विल हैंडल एवरीथिंग। सॉरी मॉम, मैं इस तरह लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक अर्जेंट असाइनमेंट आ गया है जिसके लिए मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है। मॉम एज यू नो, अब मैं डैड की कंपनी में काम नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट लेना पड़ा। और ऐसे भी मैं जिस काम के लिए इंडिया आई थी, इट्स ऑलरेडी डन। बस तुम्हें अकेले छोड़ के जाने में बहुत बुरा लग रहा है, बट आई नो यू आर माई मॉम, यू आर अ रॉक स्टार। तुम सब कुछ अच्छी तरह हैंडल कर लोगी, जैसे पिछले 20 साल से हैंडल करती आई हो। मॉम मुझे माफ करोगी ना? यस आई नो यू विल, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लव यू मॉम, आई सी यू सून, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मोड़ाना भारी है। ठीक है, ये ले जाओ।
पता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेने गया, बड़ा अच्छा हुआ अत्तू ने तुम्हें भारी रोक लिया। थैंक यू अत्तू। कहाँ खो गई? अब सारा टाइम बाहर थोड़ा खड़ी रहोगी, आओ अंदर। सॉरी, मैं जानती हूँ मैंने आपको हर्ट किया। डैड, डैड, I'm sorry. It's okay. चलो खाना। तो अभी क्या करें, कहां छोड़ी? I'm a mad guy. पागल हूं मैं, सारी गलती मेरी थी। मुझे पहले से पता था कि रौनक ने मानसी के साथ, फिर भी मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हें डांटा, तुम्हें मारा, धक्का दिया। जो प्रूफ इकट्ठा कर रहा था ना, उसमें टाइम लग गया, नहीं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। सब प्लीज, इसीलिए तो कह रही हूँ कि गलती मुझसे हुई। सब मेरे फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे थे, आप मानसी के लिए इतना कुछ कर रहे थे, और मैं आपको पता नहीं क्या क्या बोल गई, मैंने आपको सेल्फिश कहा, और I'm sorry, I'm really sorry, मुझसे गलती हुई, I'm sorry। मैं तुम्हें प्रूफ दिलाता हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। ये देखो, ये इतना बड़ा प्रूफ, ये है 7 वचन, और इसमें से एक वचन ये भी है ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, लेकिन बीच में छोड़ दिया तुम्हें। I think I deserve a punishment। अब मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जब से बोल रही हूँ मुझसे गलती हुई है तो हुई है, अब क्यों बार बार ऐसे करे जा रहे हैं? आना, प्लीज प्लीज, देखो गॉड, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ आना, आई एम वेरी सॉरी। तुम नो सर, आई एम सॉरी, प्लीज, आई एम सॉरी आना, गलती मेरी। अच्छा कोई, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, तुम भी सॉरी मत बोलो, हिसाब बराबर हो गया। ओके, अब हम सॉरी नहीं बोलेंगे दोनों को। एक रोज जॉगिंग करनी है, वजन कम करना है, फिट रहना है, स्लिम होना है, और जो तूने 4-4 चॉकलेट कल खाई उसका क्या, वो कैलोरीज कौन बर्न करेगा? चल चल, लेकिन आजूबा मैंने, नो एक्सक्यूजेस, कम ऑन कम ऑन, चल आजूबा, चल चल उधर बांध लेना, चल चल जल्दी चल, बहुत बहाने करने लगी आज का, चल जल्दी चल, यहां से जॉगिंग शुरू कर, चल रन 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 रन, चल 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 चल। सारी चीजें याद रहती हैं, बस यही याद नहीं कि उनकी वाइफ का बर्थडे। अर्चना, many many happy returns of the day, what do you say, hardik shubhkamnaen। ha tumhe laga ki main hamesha ki tarah bhool gaya hai na, dekha mujhe tumhara birthday achhi tarah se yaad hai, sab kuch bhool sakta hu lekin tumhara birthday kabhi nahi bhool sakta। happy birthday aji। thank you, I'm sorry aji, aapko pata hai main na subah jaldi aapko wish karne wali thi, lekin aazuba ne rok liya, आपके साथ तेरी मस्ती करेंगे। वो कहते थे कि ना आपको लगना चाहिए कि ना सब आपका बर्थडे भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव, ये सब करने की क्या जरूरत है? अर्चना, मैंने हमारे सारे बच्चों को बुलाया, हम सब मिलकर एक छोटी सी पार्टी करेंगे। नहीं नहीं मानव, आपको पता है मुझे पार्टी सोकर अच्छी नहीं लगती, मुझे पार्टी नहीं करनी। जानता हूँ बाबा, जानता हूँ तुम्हें पार्टी वार्टी अच्छी नहीं लगती, पार्टी ना सही, इसे एक छोटा सा गेट टूगेदर कह लो, हम सब मिलकर खाना खाएंगे, इसी बहाने पूरा परिवार मिलकर खाना खाएगा,
हंगामा होगा, मस्ती होगी, मजा आएगा। आप सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हें बाहर से कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं जाकर ले आता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो इसी बात में खुशी कि हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे, है ना? हाँ अर्चना, आज मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। कैसी चीज माना? एक प्रॉमिस दो मुझे। अरे लेकिन किस बात का प्रॉमिस? आज से तुम्हारा खाना बनाना बंद। मानव लेकिन ये कैसा प्रॉमिस है? अगर मैं अपने घर का खाना नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? और वैसे ही मानव हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है और सबकी पसंद मैं ही जानती हूँ। और सच कहूँ मुझे इन सबके लिए करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे किसी को भी किचन में जाने नहीं दे सकती। और वैसे भी मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा खाना? जानता हूँ, लेकिन अर्चना तुम्हारा बर्थडे है और तुम ही खाना बनाओगी। देखो मानव, देखिए देखो, एक तो तुम बीमार, ऊपर से खाना तुम बनाओगी। अर्चना जरा सोचो। मानव मेरी बात सुनिए, मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा हमारे? मैंने एक शेफ को हायर किया है। मानव एक सेकंड, शेफ को? आपको पता है ना मुझे सारी चीजें पसंद नहीं, मेरे किचन में कोई और खाना बनाए। मैं जानता हूँ और मैं मुझे अच्छी तरह से पता था तुम यही कहो। तो फिर कैसे आपने किसी को? अर्चना मैं जानता हूँ तुम्हें शेफ पसंद नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ उसे आज का खाना बनाने के लिए बुलाया। नहीं नहीं, देखो उसका खाना टेस्ट करो, आज उसका टेस्ट है। अगर तुम्हें उसके हाथ का बना खाना अच्छा लगा तो उसे रख लेना। मानव ठीक है, तू क्या श्री, चल जॉगिंग का आधा टाइम तो यही निकाल दिया, चल कम ऑन। मानव ना, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हर कोई तुम्हारे जैसे सोचने लगा तो दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स कैसे चलेंगे? और फिर अर्चना देखो अपने आप, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और उम्र भी हो गई है तुम्हारी, अब तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए। आप क्यों हमेशा मुझे बूढ़ा दिखाने की कोशिश करते हैं? मैं क्या, मैं बुढ़ी हूँ? मतलब हूँ मैं, लेकिन क्या बार बार बुढ़ी बुढ़ी कहते रहते हैं आप मुझे? अरे मैंने कब कहा? मैंने अभी कहा, मैंने बुढ़ी कहा तुम्हें? एक बार भी मेरे मुंह से बुढ़ी शब्द निकला? तुम बताओ बेटा, मैंने कहा बुढ़ी? नहीं कहा ना, कैसे बोल दिया तुमने? और अगर मैंने तुम्हें बुढ़ी कहा तो मैं भी बूढ़ा हो गया ना? हाँ तो ठीक है ना, हो जाएंगे, लेकिन आप बार बार मुझे क्यों बुढ़ी बोलते हैं? माना सर आप टेंशन मत लीजिए, हाजी है मेरी, मैं इन्हें समझाऊंगी। एंड आई एम श्योर कि मेरे खाना बनाने से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल मेरी आजी जैसी दिखती है, तो मैं इस घर में जो भी काम करूंगी वो अपनेपन से करूंगी। मैं यहाँ एज अ शेफ आई हूँ, आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाना मेरा कर्तव्य है। वाह बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें किसने सिखाई तुम्हें? मेरी मॉम से, और मेरी मॉम ने उनकी मॉम से। याद आ गई उसकी। किसकी? किसी की नहीं सर। अच्छा सुनो, आज तुम्हें बहुत सारा काम करना है, किचन उस तरफ है, और आज स्पेशल दिन है, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो सबके लिए खाना तुम्हें बनाना है। आज मेरा पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाएगा, तो सबकी पसंद को ध्यान में रखकर तुम्हें खाना बनाना होगा। डोंट वरी सर, आई विल मैनेज एवरीथिंग। और मैम आज रात का खाना इतना टेस्टी होगा कि आप जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।